तो मुझे इस घर में रहने से भी डर लग रहा है। जब तक राघव नहीं है तब तक ये बुड्ढा मुझे जीने नहीं देगा। इससे अच्छा है कि मैं मेरे मायके ही चली जाती हूँ। बहू, मायके जाने के बारे में सोच रही हो? हाँ, मैं मेरे मायके जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें अनुमति मिली कहाँ है अभी? आपको वो सब करने की अनुमति किसने दी थी? बहू, तुम हमारी बहू, इस घर की बहू, और हमारी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा कोई धर्म नहीं है। शर्म करिए, मैं आपकी बहू हूँ। सेवा करना तुम्हारा धर्म। प्लीज छोड़ो। शर्म नहीं आती? अरे बेटा, बेटा मेरी बात सुन। अपने बेटे की बीवी क्या ऐसे करते हैं? नहीं बेटा, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। बेटा मेरी बात सुन लो बेटा। बहू तुम इसे क्या समझाएगी? वो तू है ही नीच। बोले शुक्र है राखी का इन्फॉर्म कर दिया। अरे तू, अरे बेटा इस घर से बाहर निकल। बहू उसको समझा। मैं तो इस घर में रहने लायक नहीं है। इस घर में दिख गया ना तू यहाँ से आस पास, खत्म कर दूंगा तुझे। चल चल चल। एक ये और इसकी पॉलिटिकल पार्टी। अब आप ही बोलो दीदी, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बन गया। क्या करूं चाची, आपको पता है अगर हम ना हो ना तो इस समाज की पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आपको पता है? बचा नहीं दे साहब, बचा नहीं। तीन दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं कोई मुश्किल रोटी नहीं मांग रहा, मैं कोई भी काम मांग रहा। मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। लात मार कर मैं बूढ़ा हो गया हूँ साहब। उनको लगता है मैं उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। मेरी मदद मेम साहब, मदद करो, मेरी मदद करो। कोई भी काम दे दो, इसी बार दो रोटी मिलेगी। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम यहाँ काम कर सकते हो, और तुम्हें क्या काम करना है वो ये दोनों तुम्हें बता देंगे। चाची जी, हम कॉलेज जा रहे हैं। ये घर तो पूरी खूबसूरती से भरा हुआ है। कितनी उदास की हो? तो क्या करूं, आप एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। एक हफ्ते के लिए ही जा रहा हूँ, ज्यादा दिन के लिए थोड़ी। हाँ, लेकिन फिर भी आपको तो पता है ना कि ससुर जी की नजरों से मुझे अनकंफर्टेबल होता है। ये बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। ज्यादा मत सोचा करो। चलो मैं जा रहा हूँ। ये ले बेटा प्रसाद। थैंक यू बाबूजी। ये बहू तुम भी लो। थैंक यू बाबूजी। तुम्हारी यात्रा शुभ हो, इसके लिए मंदिर माथे टेकने गया था मैं। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रही है। हाँ बेटा, ठीक है। हाँ, खुश रहो, ख्याल रखिए अपना। हाँ बेटा। अब मारूंगा मौके पे चौका। अरे भगवान, क्यों हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़ करके चली गई? तुम्हारे बिना ये रातें कितनी सूखी सूखी रहती है। पर तू फिक्र मत कर, हमने अपनी जिंदगी में हरियाली लाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। बहू, बहू। जी बाबूजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू। देखो बहू, ये गहने, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कितने कीमती गहने छोड़ के गई है। इसकी क्या जरूरत थी बाबूजी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी,
तुम हमारी बहू हो, इस घर की बहू। ये गहने तुम्हारे लिए। और जब हमारा बेटा नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखना। ये लो। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? ये क्या कर रहे हैं आप?